अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइडी न्यूज। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि एक काबीना जो है बना दी गई है, जिसको परवेज खटक साहब जो हैं उसका सुपरविजन कर रहे हैं, उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब से जो है मुजाकरात होंगे ताकि 31 को जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है वो ना हो। दूसरी जानिब ये क्लियर स्टांस अब तक दिखाई दे रहा है कि मौलाना साहब की जानिब से एक अनलॉफुल असम्बली होगी, क्योंकि वो लॉकडाउन की बातें करते हैं और अनलॉफुल असम्बली हमेशा से अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है। इस पर याद रहे कि दफा 144 लगती है। आज भी दो लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। इन दो लोगों को भी जो सेक्शन 144 है उसी हवाले से जो है अरेस्ट किया गया है। सेक्शन 144 जो है बेसिकली एक वॉयलेशन है सीआरपीसी की, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। ये ऑब्वियसली अनलॉफुल असेंबली के हवाले से होता है और ये किसी भी ऐसी अनलॉफुल असेंबली के ऊपर लगाया जा सकता है। और स्टेट को अथॉरिटी है कि अगर कोई भी अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा है, दंगे फसाद करा रहा है या ओवरऑल लॉकडाउन कर रहा है, तो उनको अरेस्ट किया जाए, इसमें सजा भी हो सकती है। ये तमाम तर जो है सेक्शन 144 के हवाले से कुछ मालूमात थी। साथ ही साथ ये बताती चलूं कि जो मौलाना साहब हैं उनकी तरफ से कह दिया गया है कि किसी भी किस्म के मुजाकरात नहीं हो रहे। तो दो अलग स्टांस अब हमने देखे। हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम मुजाकरात होंगे, लेकिन जो मौलाना साहब हैं वो कह रहे हैं कि किसी भी किस्म के मुजाकरात नहीं होंगे। तो ये क्लियर पिक्चर है अब तक की। इसी पर डिफरेंट किस्म की जो है डिबेट्स हो रही हैं और कराची के मसाइल के हवाले से भी डिबेट हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कराची का जो है दौरा किया और अब तक जो है जो एक स्कीम है, जो नौजवान कामयाब नौजवान स्कीम, उसके हवाले से काफ़ी डिस्कशंस चल रही हैं, उसको सराहा जा रहा है मुल्क भर में। पीटीआई की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब एक साल हो गया लगभग और परफॉर्मेंस जो है कहीं कहीं किसी तरफ से इकोनॉमी के एस्पेक्ट से पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही। तो सवाल ये उठता है कि क्या अगले सालों में भी इसी तरह चलता रहेगा या अगले दो साल से पहले पहले जो है इम्प्रूवमेंट आ जाएगी इकोनॉमी में। इसके अलावा अगर लाड़काना के हवाले से बात करें तो लाड़काना में भी एक बार फिर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुरखरू दिखाई दिया और जो साईं सरकार है वो थोड़ा जो है उनकी तरफ से स्टांस एक कमजोर दिखाई दे रहा है। लेकिन उनकी तरफ से एक और स्टांस आ रहा है, वो कह रहे हैं कि पहले भी ये GDS सीट ले जा चुकी थी। तो फिर से सवाल ये आता है कि तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहां पर अब होल्ड नहीं रहा लाड़काना, जो कि उनका अपना इलाका था, या क्या मामलात हैं। साथ ही साथ कुछ बात करेंगे हम वफाकी हुकूमत और शहरे और जो सिंध हुकूमत है उनके हवाले से जो इश्यूज हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि शहरे कायद के हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि लोगों के जहनों में हैं और लोग समझ नहीं पा रहे कि सिंध हुकूमत ने इसको एड्रेस करना है या इसको MQM पाकिस्तान ने एड्रेस करना है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको एड्रेस करेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से ये कहा गया है कि शहरे कायद के हवाले से पानी, वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर मसाइल का अदराक है, इसीलिए कराची के इशूज एड्रेस नहीं किया जा सकता। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मानुल्लाह खान पराचा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के चेयरमैन हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं समीर मीर शेख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे मंसूर शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप सबको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अमानुल्लाह साहब, सबसे पहले बात करेंगे ये इस स्टांस के ऊपर कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि किसी भी किस्म के मुजाकरात नहीं हो रहे। अब तक जो बात चल रही थी वो ये थी कि काबीना फॉर्म हो गई है और परवेज खटक साहब जो है उसको हेड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस मौजू पर दावत दी कि बात करूँ। मौलाना फजल रहमान साहब ने जब से आज़ादी मार्च का ऐलान किया है और 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च की बात की है, तो पूरे मुल्क में आपने देखा है कि हलचल मच गई है और सियासी तौर पर हुकूमत जो है वो बड़ा बौखलाहट का शिकार नज़र आ रही है। इनकी बौखलाहट उनके की वजह से मौलाना साहब की जो सियासत की और सवाल ये होता है ना कि सर के अगर वाकई कोई ऐसी काबीना नहीं फॉर्म हुई थी तो ये स्टेटमेंट अब क्यों आ रहा है? ये कमेटी बनाई है परवेज खटक साहब की सरबराही में, ये बेइख्तियार किस्म की कमेटी है, इसके पास कोई इख्तियार नहीं है। इसमें एक शख्स ऐसा है परवेज अलाई साहब जो ऐसे कामों के लिए पहले भी मशहूर हैं, वो अगर उनकी सरबराही में बनती तो शायद कोई रिजल्ट आता। परवेज खटक साहब और पूरी कमेटी एक बेख्तियार कमेटी है। कमेटी के वज़रा, कमेटी का तो जो वज़रा हैं वो भी और जो कमेटी से बाहर वज़रा हैं वो इस कामयाब होने से पहले किसी चीज़ के
डिस्कशन से पहले उन्होंने उसे नाकाम करार दे दिया, लड़ लड़के थड़ियां दे दे के उसको थ्रेट कर करके। नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हो सकता है मुज़ाकरात होने जा रहे थे और कुछ मामलात नहीं बन पाए जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट आया है अब? नहीं, वो मामला बड़े सिंपल है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का कहना है कि आप अकेला मुज़ाकरात ना करें, APC इसके अंदर इन्वॉल्व हो। वो एक उनका आइनी बात थी और उसे मौलाना फजल रहमान ने ऑन किया और कहा कि आइनी तौर पर मैं इस बात का पाबंद हूँ कि मैं कोई मुज़ाकरात अकेले नहीं करूँगा। मुज़ाकरात की कमेटी बनी थी, उसे फ्रेंडली स्टाइल में लेकर चलना चाहिए था। एक तरफ हुकूमती वज़रा ने इसको सबोटाज किया और बाकायदा मौलाना को थ्रेटन की, साथ में वज़ीर आज़म साहब ने भी कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। कैसे अल्फाज? डीजल के बगैर चलेगी या डीजल के बगैर नहीं चलेगी, जिससे आप ये समझें कि जल्दी पर तेल डाला गया बजाय पानी डालते हैं। आपने तेल डाला, आमिर लियाकत साहब का रिबाटल देखा है आपने इस पर? जी मैंने देखा। देखे वो बात ये कि वो जो भी कहे अगर मौलाना से इतना थ्रेट नहीं है तो आने दें मौलाना को, ये उनका आईनी हक है। डंडे लेकर आ जाए लेकिन डंडे लेकर ना करें। ये 2014 में PTI ने सिखाया डंडे उठा के, ये जो है PTI के पास भी झंडे थे ना, डंडे नहीं थे, झंडे इतनी इससे ज्यादा तादाद में। लेकिन आपने देखा होगा इस्लामाबाद में बंदूकें उठा के निकाल के ले आए। अगर PTI ने 126 दिन का धरना दिया तो क्या मुल्क में भौंचाल आ गया? कुछ नहीं हुआ, इनको भी आने दें अगर आपको कोई लगता नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना हम किस तरीके कार से आएंगे, वो तरीका बता रहे हैं अपना तरीका कार। हुकूमत को चाहिए कि ये देखिये, आपको हाईकोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी वादा किया कि एहतजाज करना दुनिया में हर एक का हक है, जमहूरी हुकूमत है, लेकिन हथकंडे हम ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे सर राइट्स और ड्यूटीज दोनों समझनी चाहिए ना। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पूरा अख्तियार है कि आप एहतजाज दुनिया में देखे, हांगकांग में हो रहा है, बर्तानिया में हो रहा है, लेबनान में हो रहा है, कहीं ये हो रहा है, यहाँ तो पकड़ धक्कड़ जाए, सियासी कारकुनों को पकड़ा जा रहा है, सियासी लीडरान को पकड़ा जा रहा है, आप उनकी डिसइंफॉर्मेशन इतनी फैलाई जा रही है मुल्क के अंदर कि खुद जो मुल्क इस वक्त सियासी तौर पर माशी तौर पर पूरा मुल्क बहरान का शिकार है, ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि वो फ्रेंडली माहौल पैदा करें, उनको चाहिए कि वो मौलाना साहब के साथ नेगोशिएट करने की, एक तरफ बदमाशियां दिखा रहे हैं, एक तरफ तड़ियां दिखा रहे हैं और एक तरफ कहते हैं कमेटी बनाई है, फिर कमेटी बना के आवाम को धोखा ना दिया जाए। आवाम को रिबटल हो रहा है ना सर। देखे आप पहले समझें कि अगर आप कमेटी बनाने का मकसद यह था कि आप यू वॉन्ट कॉम्प्रोमाइज, यू वॉन्ट के भाई मामला मुल्क में अच्छे चले, बजाय इसके करने के सारी कमेटी प्लस जितने गुजरा है वो ऑलमोस्ट ये समझने के गालब गलोच की जबान इस्तेमाल। ठीक है समीर, ये कमेटी जब कमेटी का जब ऐलान किया गया और कहा गया कि परवेज खटक साहब जो इसको सुपरवाइज करेंगे, इसको लीड करेंगे, उस वक्त फॉरन स्टेटमेंट कोई वापस कोई स्टेटमेंट हमने नहीं सुना मौलाना साहब की जमात की जानिब से। अब ये स्टेटमेंट ऑफिशियली आया है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो हाउ डू यू सी दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवीना, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह PTI का जो इनका इनसाइड पॉलिटिक्स है ये उसी से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। इनके जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो खुद आपस में, उनका एक जॉइंट स्टेटमेंट आता नहीं है। आपने लास्ट टाइम देखा जब सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे तो शिबली साहब ने जाके मुलाकात की, जिसके बाद PTI का जो पार्टी का स्टेटमेंट आया कि हमने तो इनको नहीं कहा था, ये इनकी अपनी राय। इस टाइम पे भी हम यही देख रहे हैं कि इनको बहुत टाइम मिला कि ये जाके निगोशिएट करें या उनको समझाएं। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के जमाने में भी इसी तरह का धरना दिया गया था जिसमें ताहिरुल कादरी साहब के पास हमारे नुमाइंदे गए। बट आई रिपीट माय क्वेश्चन, क्या डंडे हाथ में थे, क्या अनलॉफुल असेंबली हो रही थी, क्या लॉकडाउन हुआ था, क्या लोगों को प्रोवोक किया गया था कि आए और लॉकडाउन कर दें? लेकिन डंडे तो अभी तक तो इट्स टू सून टू से दैट ना। नो बट दे सेड इन फ्यू स्टेटमेंट्स। ठीक है, हम और वो डंडे अभी पिछले दिनों लेकर भी बाहर निकले थे। डंडे नहीं थे, झंडे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े झंडे थे, उनके पीछे अगर झंडा तो बगैर डंडे के लग ही नहीं सकता। बात ये है कि जो इंसान जैसा होता है ना तो वो फिर वैसी ही बातें करता है। आप मेरे ख्याल है भूल गई हैं PTV पे हमला, आप भूल गई हैं असेंबली पे हमला, ये सारी चीजें कंटेनर पॉलिटिक्स सिखाई इमरान खान ने सबको। अभी तो डंडे वाली इट्स टू सून टू से दैट, बट आज अगर आप इस्लामाबाद में अपने दोस्तों से या अपने कोलीग से बात करें तो आज इस टाइम पे पूरा इस्लामाबाद लॉकडाउन हो रहा है। इज इट लॉफुल?
ऑफकोर्स नॉट. एंड अब ये बताएं कि इस्लामाबाद के शहरियों का क्या कसूर है? ये इतना डरते हैं ये कानूनी हक है या आईनी हक है? नो समीर, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड लॉ. मैं इसीलिए क्लेरिफिकेशन चाहूंगी आपसे, आप मुझे सिंपल आंसर दीजिए कि एक अनलॉफुल असेंबली और लॉफुल तरीका कार प्रोटेस्ट, क्या ये दो मुख्तलिफ चीजें नहीं है? देखिए, अगर आप मेरी राय पूछेंगी तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमें तो पार्लियामेंट में जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए, बट देर इज नो पार्लियामेंट नाउ, देर इज नो प्राइम मिनिस्टर देर. हमारी कोई सुनी नहीं जाती है, ना कोई स्टैंडिंग कमिटीज चल रही है, ना कोई सेशन हो रहे हैं. सो नाउ ये सब चीजें से दिल बर्दाश्ता होके ये स्टांस रिएक्शन यू आर सेइंग. ऑफ कोर्स, जब जाहिर है मुल्क का ये हाल है, आप देखें आज इकोनॉमी का क्या हाल हो रहा है, आज पॉलिटिकल पार्टीज के साथ who claim to be right for democracy, who say के democracy should be run this way, and we do not come in the line of democracy, we do not create any hurdles, और फिर इस तरह unlawful assembly करना. कोई भी अगर कोई भी वो निकालेगा जुलूस से जलसा निकालेगा तो आप क्या कहती हैं कि unlawful है ये हर बंदे का? नहीं सर, देखिए ना, मैं बताती हूँ प्रोटेस्ट जो सिंपल जो कानून कहता है आपको कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो आप किसी जगह को लॉकडाउन नहीं कर सकते. गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट लॉकडाउन कर रही है. एज फार एज पीसफुली आईन के हक में, आईन के डोमेन में रहकर प्रोटेस्ट हो रहा है उसको नहीं रोकना चाहिए था. और आपको याद होगा पीटीआई का क्या स्टेटमेंट आया था जब अनाउंस किया गया था धरना, कि हम तो सपोर्ट करेंगे, हम तो बिरयानियां पहुंचाएंगे, हम तो इनको फैसिलिटेट करेंगे. तो आज क्या हो गया? एंड डू यू रियली सी कि 31st को होगा वाकई? जी, मैं समझता हूँ कि इसको अब कोई नहीं रोक सकता और अब कोई जमात पीछे नहीं हटेगी. बिल्कुल नहीं रुकेगी. जी ठीक है. गिवन द सर्कमस्टेंसेस जो इस कंट्री के इस टाइम पे हो रहे हैं और जो पीटीआई कर रहा है, ठीक है. शेख साहब, आपको क्या लगता है, क्या 31st मार्च को, 31st को क्या वाकई लॉन्ग मार्च हो जाएगी और तमाम तर जो जमाते हैं वो वाकई इकट्ठी खड़ी होंगी मौलाना साहब के साथ? जिस तरह शेख रशीद साहब की प्रेडिक्शन थी, वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब अकेले हो गए, दूसरा जो शहबाज शरीफ साहब है वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, वो दोनों तरफ है विकेट के. दूसरी जानब उन्होंने जो बिलावल साहब है उनके हवाले से भी इसी किस्म के बयान दिए, वो कह रहे हैं कि कोई क्लियर नहीं दिखाई दे रहा. देखिए अलविदा, ये ख्वाहिश है, ख्वाहिश तो हो सकती है, पर आपने खुद वजाहत की इस पे, मैं क्या वजाहत करूं कि नवाज लीग कंफ्यूज, बिलाल साहब की स्टेटमेंट्स कंफ्यूज, आसिफ जरदारी ने बिलाल पे छोड़ा हुआ है, और ये कहते हैं कि एहतजाज हमेशा होता है विद द पॉलिटिकल वर्कर्स. ये मौलाना क्या लेके जा रहे हैं? डंडे और मासूम बच्चे, तालिब जो बेचारे तालीम हासिल कर रहे हैं, यतीम लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको ये खिलाते पिलाते उनका ये वसूली मिसयूज कर रहे हैं ना बच्चों को, वसूली करने जा रहे हैं उनसे. ये पॉलिटिकल वर्कर नहीं है. इमरान खान ने नोटिफिकेशन भी रिलीज हुआ था इस बात पे. देखिए मैंने कहा था, कंटिन्यू करते हैं शेख साहब, यहीं से एक छोटा सा वक्फा लेंगे और यहीं से गुफ्तगू सिलसिला जारी रखते हैं. हिंदुस्तान इंसाइडी न्यूज, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ये जो तमाम तर मामलात हैं कि आखिर क्या बात हो पाएगी मौलाना साहब और हुकूमत के दरमियान या नहीं. जी शेख साहब, कंटिन्यू कीजिए. देखिए मौलाना साहब, जब जैसे समीर साहब ने कहा कि इमरान खान ने ये सियासत इंट्रोड्यूस की थी कंटेनर ने, हमने ऑफर भी दी जब उन्होंने अनाउंस किया कि जी हम आपको कंटेनर भी देंगे, खाना भी देंगे, और हम उस पर स्टैंड कर रहे हैं अगर ये पॉलिटिकल वर्कर लेके आए. अब ये लेके आ रहे हैं जी डंडा बरदार फोर्स, हम कब्जा कर लेंगे, रियासत फिर अपने एक्शन में आएगी ना. अब देखें इनको बुरा लगा मौलाना से लेके कि जी इमरान खान ने असल नाम दे दिया है डीजल, बुरा बच्चे से पूछो दूसरा नाम मौलाना का डीजल. ये अगर इमरान खान बड़ा है ना, वो बच्चे से पूछो तो यही होगा. तो देखिए मेरी बात सुने, ये आ जाए पॉलिटिकल फोर्स के साथ, आ जाए पॉलिटिकल वर्कर के साथ आ जाए, हम वेलकम करेंगे, और ये डंडा वंडा रियासत अलाउ नहीं करेंगे. मौलाना साहब आखिर पहले क्यों नहीं बोले और अब क्यों कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे? और ये भी कहा गया है कि 27 तक जो है मुज़ाकरात हो जाएंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है. देखिए देखिए मौलाना ने अपनी टीम भी आगे की है नेगोशिएशन के लिए, दूसरे बैकडोर चैनल से ये दूसरे रास्ते को देख रहा है जो है
शायद समझ रहा है कि हमें वहां से क्लियरेंस आएगी। खुशफहमियां तो इंसान में रहती है ना, और क्योंकि पहली मरतबा इकदार से दूर हुआ है और फिर कश्मीर पे यार 10 साल की आप परफॉर्मेंस दिखाओ और आप पे कितना खर्चा किया है। कश्मीर पॉलिसी कोई बनाई थी 10 साल की? मलिक साहिबा कहती हैं कि 10 साल की कश्मीर पॉलिसी बन जानी चाहिए थी, क्या किया मौलाना साहब ने? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, 10 साल मौलाना से हिसाब ले और उस पे मौलाना पे कितना 10 साल में खर्च हुआ है, अपनी जात पे कितना खर्च हुआ है। एज अ कश्मीर कमेटी चेयरमैन दुनिया घूमा है और सिर्फ जो है ना अपने बंगले और मैं समझता हूं कि वो चीजें आपको सब मालूम है। तो बात ये है कि हम पॉलिटिकल वर्कर को अभी भी हम कह रहे हैं कंटेनर देने के लिए तैयार हैं, और डरती वरती है रियासत अगर इससे डरना शुरू किया तो फिर हुक्मरानी का हक खो बैठती है। ये अगर इनकी खुशफहमी है, ये गलत फहमी है कि रियासत एक डंडा बरदार, रियासत एक डंडा बरदार छोटे से एक जत्थे से एक ग्रुप से डर जाए तो फिर उसको हुक्मरानी का हक नहीं है। आज 21 अक्टूबर है, आपको क्या लगता है कि क्या 31 से पहले पहले मुज़ाकरात हो जाएंगे या ये सिचुएशन देख के आपको लगता है मुज़ाकरात नहीं होंगे? देखिए देखिए रियासत की ख्वाहिश है, गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात हो और सियासत में मुज़ाकरात होते हैं, ठीक है ना। और गवर्नमेंट हमेशा आप जब गवर्नमेंट में होते हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड होना चाहिए। सीआरपीसी का सेक्शन 144 कहता है कि अनलॉफुल असेंबली गैर कानूनी है, इस पर क्या कहेंगे? और दो लोगों को आज अरेस्ट भी किया गया, उनकी बेल भी हुई, लेकिन ये फिर क्यों बैनर्स लगाए जा रहे हैं और अनलॉफुल असेंबली की तरफ लोगों को रागिब किया जा रहा है? अनलॉफुल असेंबली कैसी है? मौलाना इस पर नहीं लड़े थे कैसे? मतलब मुझे ये बता, ये बैठते नहीं, ये जो अभी 31 को जो ये लोग जो इकट्ठा करेंगे, जो लॉन्ग मार्च करेंगे, लॉकडाउन करेंगे, इसको कानून की जबान में हम अनलॉफुल असेंबली कहेंगे, ठीक है? तो सेक्शन 144 सीआरपीसी कहता है कि अनलॉफुल असेंबली किसी भी किस्म की अगर होती है कहीं पे भी तो स्टेट को इजाजत है कि इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, लोगों को फौरी अरेस्ट किया जाए। आज जब लोग बैनर्स आमेजा कर रहे थे तो उन दो लोगों को जो है अरेस्ट किया गया, उनकी बेल हुई। अब ये कहा जाता है कि सेक्शन 144 आखिर कहता क्या है? वो सिंपली ये कहता है कि अनलॉफुल असेंबली कोई शख्स करे उसको पकड़े। देखिए अलविदा, आप मिक्स कर रही हैं रियासत को और जुडिशरी को। ये रियासत का काम है, ये हुकूमत का काम है पकड़ना जी, और जो है केस कोर्ट पे चलेगा, वो इंडिपेंडेंट इदारा है, उस पर रियासत हुक्म नहीं चलाती है। वो जो इंसाफ समझते हैं, जो कानून में प्रोविजन है, वो उस अकॉर्डिंग ला जाएंगे। रियासत को जो अपनी इजाजत है वो एक्शन करे। तो यानी ये बात क्लियर आप कर रहे हैं यहाँ पे कि जो सेक्शन 144 जहां भी लागू होगा, ये रियासत जो है ये रियासत को हक है और ये जुडिशरी का डोमेन है। डोमेन जुडिशरी का, बेल उन्होंने, और बेल भी हक होता है जी। अगर ये अपोजिशन इसको फिर अरेस्ट क्यों नहीं करेंगे? जब कोई अनलॉफुल चीज हो रही होगी तो आप गिरफ्तार करेंगे, फिर आप गिरफ्तारी के बाद रियासत अपने पास कितना वक्त रख सकती है, पुलिस अपने पास कितना वक्त रख सकती है? 24 घंटे को उनको रिमांड लेना होता है, कोर्ट में लेके जाना है, फिर ये जहां से शुरू होता है कोर्ट के अख्तियार जुडिशरी के, जुडिशरी जो फैसला कर ले। ठीक है, लाड़काना के हवाले से क्या कहेंगे आप? लाड़काना में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता सिंध से भी वाइप आउट होती जा रही है पीपल्स पार्टी, आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी के हवाले से पीटीआई का दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। आप देखें लाड़काना में और कई जगह पे, आप देखें ना, आप जैकबाबाद में देखें, वहां पे जो है ना हम कितने वोटों से हारे हैं, घोटकी में हम कितने वोटों से हारे हैं, शिकारपुर में हम कितने वोटों से हारे हैं, खैरपुर में हम कितने वोटों से हारे, करीब करीब हारे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं होता। लेकिन था। कुछ तो अभी भी ऐसे गढ़ है पीपल्स पार्टी के, जैसे खैरपुर की बात कर ले, उसमें पीपल्स पार्टी के अलावा समझा नहीं जाता कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी बात कर रही है। खैरपुर की बात कर लेते हैं, भी ये ले लियारी में भी कहा जाता था, ये लाड़काना में भी कहा जाता था। भुट्टो साहब ने कहा जब लियारी में पीपल्स पार्टी नहीं रहेगी तो मुल्क में नहीं रहेगी, लाड़काना में नहीं रहेगी। मैं लाड़काना का हूँ, तो यानी आप ये कहते हैं कि मैं अर्ज करूँ, देखिए देखिए वाइप आउट का नहीं, इनकी जो है
पॉपुलैरिटी कम हो रही है, पॉपुलैरिटी कम हुई है, और जो जिस मेजोरिटी से ये आते थे ये इंशाल्लाह ताला अगली मर्तबा हुकूमत जो है ना हुकूमत बनाने के काबिल नहीं होंगी। ये नहीं हम कह रहे हैं कि हम टोटली इनको वाइप आउट कर देंगे, मगर ये बिल्कुल जो है ना थोड़े तादाद में आएंगे, जैसे इनका पंजाब में हशर हुआ। आपने देखा था पहले पंजाब में क्या होता था, अब पीपुल्स पार्टी का जो है ना वो टीवी पे नाम ही नहीं आता, जब रिजल्ट आ रही होते फर्स्ट सेकंड थर्ड आता ही नहीं, वो नीचे ढूंढ रहे होते हैं किसी है लिस्ट में नाम। तो क्या जब बेनजीर भुट्टो साहबा थी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब था, तो उस वक्त आप देखते थे कि पहले नंबर पे देख रहे होते थे या दूसरे नंबर पे। अभी आपने देखा था रिजल्ट 2018 का, हाँ ढूंढ रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी लड़ी है या नहीं लड़ी है। मानुल्ला साहब, पीपल्स पार्टी के हवाले से जो पीटीआई का स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी में जो है काफी कमी आती जा रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए बात ये पीटीआई की नहीं है, ये हर बंदा जो परफॉर्म नहीं करेगा उसका इस मुल्क में यही हशर होने जा रहा है। यही पीटीआई थी जिसको कितने जोरों शोर से लोगों ने वोट दिए थे 2018 में। आज मौलाना की ये खुशफहमी में न रहे कि मौलाना की हमायत में लोग निकलेंगे, लोग पीटीआई की जो परफॉर्मेंस है लोग निकलेंगे, वाकई आपको लगता है? निकलेंगे। आप जो टीवी चैनल दिखा रहे हैं मार्केटों में जाके एडमिशन तो किया के मौलाना के पास अपने लोग नहीं है, मैं आप किस सूबे में निकलेंगे? शटर डाउन 29-30 को किस सूबे में निकलेंगे? देखिए पूरे पाकिस्तान में लोग निकलेंगे, हर सूबे में आपको लगता है यकीनन लोग निकलेंगे, लोग दिल से निकलेंगे। अगर इसको इन्होंने गवर्नमेंट ने प्रॉपर तरीके से हैंडल ना किया और जबरदस्ती हैंडल करने की कोशिश की तो 77 के लोग पीएनए की जो महम थी उसको भूल जाएंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बड़े तरीके से इसको हैंडल करे, पॉलिटिकली हैंडल करे, बदमाशी के साथ गैर जमहूरी हथकंडों से लीडरशिप को अंदर डाल के न करे। गैर जमहूरी हथकंडे यही है जैसे 144 का लगाना, सियासी वर्कर्स को उठाना, गैर कानूनी है, गैर जमहूरी है, गैर कानूनी, गैर जमहूरी है, यानी हुकूमत कर चुके हैं वहां पे भी 144 है। माना आपने एक आपको ये बात तो बहुत बुरी लगी 144 वाली, उस वक्त ये बात आपको बुरी लगी जब वो तालिब इल्म जो कि हमें कुरान मजीद और दीन की तालीम देते हैं उसको उन्होंने हेट किया, उन्होंने हेट किया है शेख साहब ने, शेख साहब ने हेट किया है, उन्होंने फरमाया तालिब को बेकार बेचारे, वो बेकारे नहीं है, ये वो लोग हैं जो हमें दीन की तालीम देते हैं, जो फिकर की तालीम हासिल करते हैं, होल कंट्री बेकार, वो भी वोटर है, वो दीन सर कोई इंसल्ट नहीं कर सकता उनको, बात सुने आप जो अल्लाह का नाम बेचारे, मैंने कहा वो कोई इंसल्ट नहीं किया, वो इल्म हासिल करने आए हैं सर, आपने बेचारा बोला, बेचारे थे इल्म और क्या बोले, इल्म हासिल करने आए मासूम नहीं है बेचारे, देखे बेचारे मासूम को कहते हैं, मासूम को कहते हैं, सब बोलने तो दें आप, देखे आपका मैनिपुलेशन ये मौलवी का काम रहा है, चलिए ठीक है समीर, समीर आप क्या कहेंगे? नहीं सर मुझे क्लियर करने देना, आप गलत फैब्रिकेट बात कर रहे हैं, समीर से जान लेते हैं, ये तो की बात साफ ही नहीं है, समीर से जान लेते हैं, देखिए आप भी डिक्टेटर हैं, आप भी डिक्टेटर हूँ, आप एक मिनट बोलने तो दें सर, समीर से जान लेते हैं, इसीलिए मैं डिक्टेटर हूँ, मैं आप वापस आऊंगी आपकी जाने, मैं अभी आऊंगी सर, समीर बस इतना सा बता दें, फिर दोबारा मानला साहब के पास जाना है मैंने, कि क्या वाकई इन्होंने डेरोगेटरी वर्ड्स यूज किए, तालिब तो मींस जो तालिब, तालिब कोई भी दीनी तालीम हासिल करता है वो तो दीनी और दुनियावी तालीम, समझते हैं कि मासूम को हम कहते हैं बेचारे, तो क्या उन्होंने डेरोगेटरी लफ्ज यूज किए सर? जबान जबान का फर्क होता है, जबान जबान का फर्क होता है, हम लड़काने की बात कर लेते हैं जो नहीं नहीं क्लियर करते फिर आते हैं ना, नहीं आई डोंट थिंक सो ने ऐसा कुछ बोला है, बस क्लियर हो गया ना, वो ऑनर कह रहे हैं समीर भी, चले मैं तो डिक्टेटर हूं, अब मेन बड़े मसलों पे आ जाते हैं, ये एक बड़ा ये है कि अगर जो आप कह रहे हैं कि गैर आनी जो तरीकाकार है वो जमहूरी तरीकेकार नहीं है, पूरी दुनिया में जहां जहां जमहूरी आता है वहां पे जहां पे भी अगर
आप खुद देखें कि शेख रशीद ने भी कहा जब भी उलमा ने एजुकेशन किया तो मुल्क में जो है हुकूमत उलट गई है। तो अगर इतना डर और खौफ है मौलाना से तो आप सबको चाहिए, हुकूमत को चाहिए, वाकई है खौफ, बिल्कुल है। और अभी भी आपको मैं आपको बता रहा हूँ क्यों खौफ है, ये वजह मौलाना की नहीं है, मौलाना की हो सकता है जो उसकी अपनी उनकी अपनी स्ट्रेंथ उनका अपना वोटर निकलेगा निकलेगा, उसके अलावा भी लोग निकलेगा। आप देखें अगर 4.5 करोड़ वोट पड़ा है सूबे में ज्यादा, मैं आपको बताता हूँ जरा मेरी कैलकुलेशन सुन लें, अगर 4.5 करोड़ वोट पड़ा था इस 2018 के इलेक्शन में तो 1.60 करोड़ वोट आप पीटीआई को देते तो 3.5 करोड़ वोट तो पीटीआई के खिलाफ पड़ा था ना, वो तो निकलेगा। उसके अलावा वो 1.60 करोड़ वोटर से भी आधे से ज्यादा लोग पीटीआई के खिलाफ हो चुके हैं। अच्छा। लोग निकलेंगे मौलाना के लिए नहीं, माशी सूरत हाल जो अबतर हो चुकी है, जो बेरोजगारी 75-80 लाख आदमी बेरोजगार हुआ है, जो ट्रेडर के साथ हुआ है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हुआ है, जो जो अवाम दुश्मन जो पॉलिसियां बनाई गई है, इसका क्या बेसिक इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आगे इसके? देखिए ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, हुकूमत चाहे तो वो इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करके अच्छा। इसको कंट्रोल कर सकती है, और अगर हुकूमत ने इसको जबरदस्ती लेकिन वो कह रहे ना कमेटी बना ली और वो कह रहे नहीं बात नहीं हो रही, कमेटी बेख्तियार है, कमेटी अगर इख्तियारदार होती तो उनके वजरा से ये बयान एक तरफ वजरा उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं के अंदर इनके वजरा अपनी हुकूमत के दुश्मन है। इमरान खान साहब फरमा रहे हैं 1 करोड़ नौकरियां देंगे, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं किसने कमेटी फॉर्म की है और क्या अख्तियार, ये बच्चों लिए इनको अपनी आदत होती है ना कि जब अपनी कमेटी इसको अख्तियार नहीं देते थे अपनी जबान में बोलो तो शायद चुप चलिए अपना टाइम नहीं लेते दूसरे का भी नहीं लेते। समीर ये बताए जमहूरियत है भाई डंडा इनका हुकूमत इनकी है। सर ये बता दे कि लाड़काना के जो इलेक्शन हुए इस पर आप क्या कहेंगे, पीपल्स पार्टी क्या डिप्रेस्ड है ये सिचुएशन देख के? देखें मेरा ख्याल है पूरा मुल्क ही डिप्रेस्ड है इस टाइम पे, सिर्फ पीपल्स पार्टी की तो बात नहीं कर सकते, पूरा मुल्क का हर शहरी डिप्रेस्ड है जो हाल है इस मुल्क का। पहले मैं एक जरा मौलाना साहब का थोड़ा सा आपको एक चीज बता दूं, आप कह रही थी कौन कौन लोग निकलेंगे। देखें जो जो लोग सियासी इन पार्टीज के साथ हैं वो तो निकलेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ हर आदमी जिसने पीटीआई को भी वोट दिया ना वो भी बाहर निकलेगा। आप डू यू रियली बिलीव के वाकई जो गैर सियासी लोग हैं शहरी वो भी निकलेंगे? आप देख लेना इस्लामाबाद में कितने धरने हुए, अभी 4 दिन पहले भी ताजरों का धरना हो रहा था। आप वो टॉक शोज देखें जिसमें माइक लेके लोग बाजार में और मार्केट्स में जाते हैं तो लोगों की राय सुने क्या बोल रहे हैं, लोग दुआएं मांग रहे हैं कि खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है इनसे हमारे को निजात दिलाएं। तो वो सारे लोग सिविल सोसाइटी के लोग हों, गैर सियासी लोग हों, ताजर हों, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों, सब निकलेंगे, तभी तो ये इनकी हालत इतनी खराब हो रही है। ताजरों के हवाले से एक जुमला बोलेंगे मानला साहब को गुस्सा आ जाएगा, मानला साहब का पूरा टाइम अप हो गया, अभी मेरी बात कम करते हैं। तो अब आप लाड़काना की बात करनी थी, देखें अलवीना मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ही अफसोसनाक रिजल्ट है जो आया लाड़काना का। मैं क्यों बोलूंगा क्योंकि मैं वहां 4-5 दिन था, आखिरी के दिन मैंने वो सारी रैलीज वो सारे जलसे चेयरमैन के अटेंड किए, मैं रातों में गलियों में निकला, मैं शामों में बाजारों में निकला, मैंने वोटरों से बात की, मैंने अपनी आंखों से अपने कानों से उनकी राय सुनी अबाउट मौजम और पीपल्स पार्टी। अगर कोई इंसान मुझे बोले कि पीपल्स पार्टी वहां से हार गई है तो मैं इस बात को मान ही नहीं सकता। ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की कारदगी जो थी वो इतनी खराब थी, तो इनसे पूछे मुझे एक स्कीम, एक नौकरी, एक कोई इलाके का छोटा सा रोड बता दें जो मौजूद ने 11-12 महीने में किया हो। लेकिन सिंध हुकूमत तो वैसे ही आप ही की यहाँ पे तमाम तरह गवर्नेंस है, फिर क्यों आपको लगता है कि रिजल्ट्स ठीक नहीं आए? क्यों आए रिजल्ट नहीं थी? तो अभी अभी आपको मैं अगर आप चैनल पे चला सके तो मैं आपको दस वीडियोस आपको भेज देता हूं कि जब हमारा वोटर अंदर गया स्लिप लेके पीपल्स पार्टी के तो उसको आर्म फोर्सेस ने वोट नहीं देना गया, डराया धमकाया वहां से बाहर। इट्स वीडियोस है ना, वीडियो तो झूठ नहीं बोलती है, अजीब वीडियो झूठ नहीं बोलती है, अजीब बात कर रहे हैं। आप उस चले गए जब रिजल्ट मायूस को ला रहा था तो आप धरना लगाने इलेक्शन कमीशन को 5 लेटर लिखे विद इन द स्पैम ऑफ 4-5 आवर्स। अगर लाड़काना पे बात करेगा तो मैं पैदाइशी लाड़काना का मुझे खत्म
करने दें, एक लेटर नहीं लिखा इलेक्शन कमीशन को उसी वक्त आज हैदर साहब जो पहले की बात सामने नहीं आई है सारे रिजल्ट्स अनाउंस करने के बाद, हम बीच में ही हमने एहतजाज शुरू कर दिया था। मैं आपको बता रहा हूँ हमने लेटर्स इलेक्शन कमीशन को उसी वक्त भेजना शुरू कर दिए कि हमारे वोटर्स के साथ ये सलूक हो रहा है। देखें जो मौजम के साथ सुप्रीम कोर्ट ने किया वो दोबारा होएगा। आज मैं आपको लिख के देता हूं जिन्होंने इनको सिलेक्ट करना तो उन्होंने सिलेक्ट तो कर लिया, बट वी विल गो एंड वी हैव फुल बिलीव इन आवर कोर्ट्स, हम दोबारा जाएंगे और दोबारा ये नाहल होएगा। मैं आज आपको लिख के देता हूं ये बात, ये पहले भी हुआ ना, ये इसी तरह उसको जिता तो दिया गया सिलेक्ट कर दिया गया, लेकिन ये वोट जब बैग्स खुलेंगे ये दोबारा नाहल होगा, दोबारा लाड़काना में इलेक्शन होगा और आप देखेंगे जो असल लाड़काना वालों ने जिस पार्टी को वोट दिया वो दोबारा जीतेगी। मैं मान ही नहीं सकता, मुझे अगर कोई इंसान ये बोले ना कि पीपल्स पार्टी हार गई, क्योंकि मैं वहां खड़ा था, मैंने वहां अपनी आंखों से देखा है, मैंने रिस्पांस देखा है जो चेयरमैन को देख के लोग निकले हैं, आसिफा को देख के निकले, चार दिन के लिए लाड़काना गया। मैं आपको बता दूं पीपल्स पार्टी को छोड़ देना, पीपल्स पार्टी तो मैं समझता था, मैं ये प्रोपेगेंडा बना देते ना पीपल्स पार्टी जो है ना, मैं 12 महीने में मौसम की कारकर्दगी बता मैं वही बता रहा हूं, मैं समझ रहा था समीर मैच्योर बात करेगा, पढ़े लिखे की बात करेगा, अब ये कहता है कि मुझे बताएं कि कौन सी गली बनाई, कहां पे लाइट लगवाई, कहां पे जो है ना रोड बनाया, कहां पे रोड बनाया। मेरे भाई वो अपोजिशन का एमपी है, उन्होंने आपकी पॉलिसीज को नंगा किया, आपने जो एक करोड़ एक 100 अरब लाड़काना पे लगाए, हमारे लीडर्स की तस्वीरें लेके पूरे लाड़काना में घूम रहा था कि खुदा को वास्ते मुझे वोट दे दो, किसके पेट पे गया, कोई एजेंडा ही था। दूसरा ये है सिंध दुश्मन पार्टी आपके साथ मिल गई और जाके साथ बैठ गई उसके, अब हो गए जो जहां पीपुल्स पार्टियां, भाई आप देखें उनकी दादी उनका बाप ठीक है, असल पीपल्स पार्टी के वारिस वही है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं लाड़काना का, मेरे वालिद की दादी के वकील थे, रेली देखी, मैं कांस्टेंटली टच में था, ये मुझे ये बताए समीर, आप मुझे जीतने के बाद वाली माता जी को हार बनाने पहुंचे, वोट किसका हक बनता है के लिए, अल्लाह बख्श उन्होंने बड़ा जलसा करवाया, कैसी बातें करते हैं। मैं आपको बता दूं मैं कांस्टेंटली टच में था, मैं लाड़काना में पैदा हुआ, मैंने 2002 तक लाड़काना में सियासत की, मैं पीपल्स पार्टी के मैं एडवाइजर था चीफ मिनिस्टर का अब्दुल्ला शाह का, मैं कैबिनेट का यंगेस्ट कैबिनेट मेंबर था। मैं आपको बताऊं ये इन्होंने क्या किया था, ये इलेक्शन में ना समीर का न रिश्तेदार न मामू का बच्चा न चाचा का बचपन का दोस्त समीर लाड़काना की गलियों में वोट मांग रहा था, नहीं मांग रहा था, इसी तरीके मैं आपको बता रहा, हजारों लोग थे, आप मेरी बात सुनिए ना, सारे मैं आपको बता दूं, उधर से कोई ठट्टे से आके कोई वजीर सारे सिंध के पीर वजीर इन्होंने इकट्ठे किया, लाड़काना से ये शिकायतें आ रही थी यहां पे ट्रैफिक ब्लॉक हो गया है, इन्होंने पूरी सिंध इकट्ठे की है और फिर कहते हैं कि जी आपको कौन देगा वोट, मंसूर शेख जाएगा तो मेरे बरादरी वहां पे रहते हैं, मेरे नाना के बच्चे रहते हैं, मेरे दादा के बच्चे रहते हैं, इलेक्शन में तो यहां से बैठ के पूछ रहा था, मैं आप जाते ना, मैं क्या मेरे कहने पे है ना, जीतेगा कैंडिडेट, मुझे जाने की क्या जरूरत है, हमारा काम करने की क्या जरूरत है, मुझे डोर टू डोर जाने की, मेरी बात सुनो, ये तो आप कराची बैठे रहे, आपको तो पता था, मेरी बात सुनो, कैंडिडेट सेलेक्ट हो, मेजोरिटी इन द सिटी एरिया, चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट शेख होता है, सिटी इत्तेहाद का चेयरमैन, हर दुनिया के आपके साथ ही बात है, फिर क्यों हारे, अगर ये सिचुएशन जो पीपल्स पार्टी की तरफ से मौकिफ आ रहा है यही दुरुस्त होती है कि इनके रिजल्ट्स जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं आए तो फिर भी क्या आप पीपल्स पार्टी के चांसेस देखते हैं या फिर भी पीपल्स पार्टी के कोई चांसेस नहीं है। हम मौलाना के विषय पर उन्होंने भी साथ दिया है, हमारा लड़का नाम है, अगले इलेक्शन में ना आपको यूसी नेक्स्ट इलेक्शन में आज आपके टॉक शो पे बोल के जा रहा हूँ, सिर्फ बात खत्म करने आपके टॉक शो पे बोल के जा रहा हूँ, अगले इलेक्शन में बैलेटिंग पेपर होता है ना उसमें पीटीआई का नाम ही नहीं होगा। अच्छा जरा आप सुनिए, आप मेरी बात याद रखिएगा, भाग जाएंगे जो कह रहे हैं और आपने जो कहा, ये पीपुल्स पार्टी का वहां से हारना कोई महज इत्तफाक नहीं है, बल्कि आप इसको यह कहें कि बहुत बड़ा वोट बैंक JUI का था और उन्होंने चूंकि उनका इतिहास चला आ रहा था इलेक्शन का तो GDA के साथ कभी पीपल्स पार्टी GDA की वजह से वहां से पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई
खास तौर से जमात उलमा इस्लाम जो बड़ा वोट बैंक है, बिल्कुल वहाँ पीटीआई का वोट बैंक नहीं था कि आप पीटीआई वहाँ से जीत गई आप उसको। तो अब ये कॉन्ट्रडिक्शन ही दिखती बस खत्म हो गया वक्त जल्दी बता दी। एक तरफ लॉकडाउन, एक तरफ लॉकडाउन, एक तरफ लाड़काना में सपोर्ट में रहना है, बीबी के खिलाफ लड़ाका खा ले, एक तरफ लाड़काना में सपोर्ट, एक तरफ लॉकडाउन की बात, बस वन लाइनर जल्दी से। एक सपोर्ट नहीं, वो तो कंटिन्यूएशन में थी। ठीक है, बातों से ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नर हाउस बुलाया है मुबारकबाद देने के लिए, 162 अरब रुपए जो कराची के लिए वादा किया था यूनिवर्सिटी के वादा किया था, थर में अस्पताल के अंदर नौकरियां कहां है, मौसम को बुलाया मुबारकबाद देने में, ये का हाल है, सारे जीडीए के आए थे, हाल है, लॉलीपॉप दे रहे हैं, सब खत्म हो गया है। हमारे अपने एमपीए से मिला मंसूर शेख साहब आपका और समीर मिश्रा आपका और मानुल्लाह साहब आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। और सर हमेशा से ही बोलते हैं आप सबसे ज्यादा बोलते हैं फिर भी आपको हमेशा जो है गिला होता है मुझसे, अनफॉर्चुनेटली सब मेहमानों को मैं इक्वली टाइम देती हूँ। कुछ चीजें मैं कंक्लूड करती चलूँ तो उसमें ये है कि एक तरफ बिलावल साहब का ये क्लेम है कि ये गैर सियासी लोग हैं हुकूमत के, इनको सियासत नहीं आती, दूसरी जानेब एक और साई सरकार ने जिस तरह हाथ रखा था ओमनी ग्रुप के ऊपर उसी तरह सिंध बैंक ने भी हाथ रखा था, वो अब तक छुपा रहा। 2010 से 11 में जो है 20 अरब 60 करोड़ का जो लोन है वो एलोकेट किया गया था ओमनी ग्रुप को, याद रहे कि ये तमाम तर जो है अब तक कोई एक किस्त भी जो है इसकी अदा नहीं की ओमनी ग्रुप ने, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।